आप लोग को दिख रहा होगा बारिश हो रही है। हम लोग सिलीगुड़ी में आज ब्रेक है। मैं अभी फटाफट जाके किरण की गब्बर का जो हॉर्न का इश्यू है वो ट्राई करूँगा। फ्यूज़ का मुझे लग रहा है फ्यूज़ कुछ उड़ गया होगा, तो वो जाके चेक करता हूँ। अगर नहीं होता है तो यहाँ पर मैकेनिक वगैरह देखना पड़ेगा, कुछ तो देखना पड़ेगा। तो लेट मी गो डाउन एंड चेक करता हूँ। आज बहुत चीज़ें प्लान्ड है, तो बताएंगे आप लोग को कि क्या क्या होने वाला है आज। किरण ने सन के लिए लिया था, अभी बारिश की से बचने के लिए काम में आएगा। अब आवाज सुनो, नॉट गुड। मैंने आगे फ्यूज का कनेक्शन तो चेक कर लिया, बराबर है। अभी ये जो है ना, ये वाला फर्स्ट वन नंबर वाला फ्यूज चेक करते हैं कि वो गया है, क्या हुआ है। सो ये 10 एम्पियर का ये वाला जो फर्स्ट था वो वाला हॉर्न निकाला, हॉर्न नहीं सॉरी फ्यूज़ निकाला है। आई जस्ट चेक्ड इट, मैंने निशान से उज वेरी टेक्निकल एट आर स्टोर उससे पूछा, उसने बोला ये जो जॉइन है देखो, ये यू दिख रहा है ना, उल्टा यू, वो अगर टूटा हुआ रहता तो ये फ्यूज़ गया है, बट ये टूटा हुआ नहीं है। तो फिर भी अभी मैं इसमें डाल के देखता हूँ वापस, और आवाज़ आता है कि देखते नहीं है तो फिर हॉर्न में प्रॉब्लम है। हॉर्न का ये प्रॉब्लम है गाइस, अभी चेक करना पड़ेगा हॉर्न का क्या जुगाड़ कर सकते हैं। कितनी कामत से चीज घेत लिया है मैं, जब भी ले रही थी तो इतना चिची कर रहा था कि क्यों ले रही है क्यों ले रही है, अब तो बग समर नहीं तो रेनी में भी काम आ जाए। पहले गब्बर को हेलो हेलो हाय बोलने आई हूं मैं, गब्बर से रखो। गब्बर में एक छोटा सा इशू आ गया, लेकिन वो छोटे से इशू के लिए बहुत बड़ा लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है। बोलते ना छोटी सी घाव बहुत बड़ी हो सकती है, तो इसके वजह से इसका रेक्टिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वी डोंट नो कि ट्रायम्फ का यहाँ पर शोरूम है कि नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि यहाँ पर हम लोग को कुछ भी कावासाकी और कोई भी और ब्रांड की अगर बाइक मिल का बाइक का ऐसे मैकेनिक्स या सर्विस सेंटर मिल जाएगा तो भी काम हो जाएगा अपना। लेट्स सी, जैसे सचिन ने बहुत सारी ट्राई एंड टेस्ट की है, लेकिन तो देखते हैं, वी विल कीप यू अपडेटेड। लेकिन वो करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज पहाड़ों में जाना है और पहाड़ों में हॉर्न सुना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी। अगर कल हॉर्न नहीं होता ना, तो वो जो डॉग क्रॉस कर रहा था और वो मेरे टायर के इधर से आकर टर्न ऐसे ऐसे देखो टर्न मारा, जो अगर मैं हॉर्न ज़ोर से नहीं दबाती और अगर हॉर्न नहीं होता ना, वो बंदा नहीं जाता, और या तो उसके मुंडी पे मैं लगाती या तो उसके टेल पर लगता, भागते भागते कुछ ना कुछ होता और हम दोनों के साथ हादसे हो जाते। तो वो भी बच गया, आई एम हैप्पी, मैं भी बच गई, आई एम हैप्पी। तो वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉर्न वी हैव टू डू इट। I don't know. चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। मैं चाहिए तो भोपू लगा लूंगी, बट फोन चाहिए। भोपू बहुत मजा आता है। पापा देख के मस्त दिन शुरू करेंगे। गणपति पापा बाइक ठीक कर दीजिए। यस। सुपर ब्रेकफास्ट। इस कप में चाय या कॉफी पीने का फीलिंग ही अलग है। और ये देखो, ये बंगाल में है। रसगुल्ला। चीयर्स। हम सिलीगुड़ी में है। पहुंच गए। एडिटिंग चल रहा है वहाँ पे, डे 3 का एडिटिंग चल रहा है ना। और अब मेरे को रेन गियर्स निकाले, राइनॉक्स के H2GO दोनों, टॉप बॉटम, बिकॉज बारिश हो रही है। चेन क्लीन लूप होगा, देन ये डिस्क क्लीनर, ये वॉशिंग के पहले डिस्क पे ब्रेक के ऊपर अपने को क्लीनर मारने का है, सो दैट ब्रेक अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ये मकॉक का जो है डिस्क क्लीनर, इसमें वो कैलिपर और डिस्क पे मारेंगे, रेयर वाले में भी और इसमें, एंड देन प्रेशर वॉश से वो पूरा क्लीन हो जाएगा। ये मारने के बाद में तुरंत इसके ऊपर पानी मारना है। ये अप्सरा का टाइम को एक फनी बात बताता हूँ। अभी वॉशिंग के बाद में हॉर्न के साथ कुछ अलग हो गया। मैंने बहुत सारे लोगों को कॉल किया, BMW में कॉल किया, ट्रायम्फ में कॉल किया, एक सोल्यूशन मिल गया था, स्कोडा या फिर ह्यूंडई का हॉर्न्स इसमें डायरेक्ट फिट होता है, बट वो उसमें टाइम चला जाता, बट
लेट्स सी नाउ, अभी वॉशिंग हो गया, प्रेशर वॉश हो गया और यहाँ पे बहुत एयर वगैरह भी मारा है, बट ये हॉर्न का आवाज थोड़ा चेंज है, तो लेट मी चेक कि किरण क्या बोलती है, क्या करना चाहिए। चल रहा है, बराबर चल रहा है। अपन कल भरे ना, वो चालू होने के बाद हो जाएगा। हाँ बे, पूरा है, ये थोड़ा एड़ा है क्या? तो है ना, वो एक इसलिए तो एक बार याद नहीं है, देखो जाना पड़ा था। ये क्या है? पूरा धोखे लाया है और ये हो गया है। चलो तो अभी हम लोग, ये फ्यूल जीरो क्यों दिखा रहा है? अरे कल ही भरे थे ना, ये आएगा शायद। गुड आफ्टरनून, 20,000 हो गया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू कौशल हुंडई, यहाँ से कितना 7 किलोमीटर पे है। तो मैंने सुबह से काफ़ी फ़ोन कॉल्स किए हैं, उसके बाद में समझा है कि हुंडई का कोई ना कोई गाड़ी का जो हॉर्न है वो गब्बर पे लग जाएगा, 2 पिन वाला हॉर्न है, तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या होता है। हॉर्न के बिना किरण तो राइड कर लेगी, ये ट्रैफिक में तो मैनेज हो जाता है, बट कोई कोई जो इडियट्स होते हैं ना, तो उन लोगों के लिए हॉर्न लगता ही है, वो हॉर्न के बिना हटते ही नहीं है। प्लस ये जो डॉजीज लोग बीच बीच में आते हैं ना, उनके लिए भी हॉर्न लगेगा। एंड अभी कल हम लोग टूवर्ड्स अरुणाचल जाएंगे, तो 4 लेन हाईवे है, तो हाई स्पीड टाइप्स भी रहेगा, तो कुत्ते हैं, इडियट लोग हैं, तो सब उन लोग को मैनेज करने के लिए हॉर्न लगेगा। एंड दिस इज लाइक वेरी वियर्ड, तो इससे कोई नहीं रुकने वाला है। ये हमें खुद को इरिटेट कर रहा है आवाज़ से, एकदम अतरंगी है। तो ये कौशल हुंडई है यहाँ पे विल जस्ट सेल सर्विस एंड पेयर्स। चलो ठीक है, सर्विस भी है ही ना, सर्विस में जाते हैं डायरेक्टली। कुछ पूजा कर ले रे बाबा। ये नया हॉर्न है, ये पुराना हॉर्न है, ये चला गया अभी, ये अच्छा बज रहा है। हैप्पी? Are you happy? Now I am. इतना महंगा हॉर्न है ना, पता है तेरे को कितने का हॉर्न पड़ा रहेगा? बता तू गेस मार। अरे थोड़ा सेंसिबल वाला गेस करना, ट्रायम्फ कौन आ रहे तू? 1-2 हज़ार। 345 रुपीज़ ओनली। उसके लिए इतना दिक्कत हो गई थी मुझे। चलो गुड। थैंक्स टू कौशल हुंडई गाइस, मस्त चल रहा है। बाजू हटना, सो गाइस यहाँ पे गणपति बप्पा का जो स्टिकर है, ये आज वॉशिंग किया उसने, सब घस घस के निकाल दिया। इधर एक्चुअली टाइगर लिखा हुआ, उस पर हम लोग ने परमानेंट मार्कर लगाया था, वो भी निकाल दिया पूरा। तो अभी यहाँ पे स्टिकर करेंगे बप्पा जी का। कन्नू आ गए, कब साफ लवट है ये ना, भी वॉश कर सकते ना, करना नहीं नेक्स्ट टाइम से। मस्त लग रहा है ना ये पीछे, इधर इसमें आंख भी है, ऊपर भी विनाइल लगा दिया और उसके ऊपर ये लगा दिया। बेस्ट चले। हाँ चलो, सब काम हो गया है तो थोड़ा मटर गश्ती होना जरूरी है। सिलीगुड़ी के मॉल में जाएंगे, कोई तो किरण ने बोला कौन सा कॉस्मोस मॉल ना, ये तेरा इंटरकॉम चालू कर और किरण का थर्मस भी ढूंढेंगे। लेट्स सी, सिलीगुड़ी में आके पाइनएप्पल जूस, ओए लॉस्ट, खुद का फोन का बैटरी खत्म हो गया, तो मेरा जो सेकेंडरी फोन है उसमें घुस गई है। सचिन क्या करते पता है, वो एक फ्रेंड होता है ना अपने ग्रुप में, जो अब सारे फोटोज अपने पास रख लेता है और वो देता हो करके आप अपने ना, मतलब वो स्केलेटन का फिर एक फोटो आ जाए तब तक वो फोटो नहीं देता, वैसा है सचिन। ही विल क्लिक लॉट्स ऑफ पिक्चर्स बट ही नेवर शेयर्स, और उसकी वजह से ना वो मेरे को कभी मेरे पास आता ही नहीं है। तो आई मेक श्योर कि एंड ऑफ द मैसेज आ गया। जूस कैसा है? मोमोज भी बोला है मैंने, और कुछ कंप्लेंट था? नहीं नहीं, मैंने मोमोज बोला है, जूस बोला है। वो स्टोर पर मोमोज और जूस, चलो कट, मैंने कट कर दिया। हाँ। मैं नहीं बोलने दूंगा, बोलने दे दे, अगर मेरे फेवर में है तो। आकर लड़कियां बोलेगी यू व्हाट हैव यू डन टू गेट अ हस्बैंड लाइक हिम, ऐसा नहीं है, हर इंसान में बहुत, तूने बहुत पुण्य किया तो ही मैं मिला हूं। अच्छा जी।
गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज डे थ्री इन सिलीगुड़ी। और हम लोग क्यों रुके हैं, किधर छुपी है किरण तू? ये क्यों देख रही, क्या देख रही है? क्या हाँ? सही हो गया ना, गंदी हो गई है बाइक फिर से। हाँ, वापस कल हम लोग गए तो वापस गंदी हो गई। क्या यार, अप्सराइज क्लीन ओनली। बहुत मट्टी आता है यार बारिश में, ये देखना। हाँ चलो, आज क्या क्या फिर से वॉश करवा देगा? हाँ करवा दूंगा, ये देखना, क्योंकि जम गया फिर से आगे जैसे प्रोसीड कर। अभी बारिश का सीन नहीं है, वेदर फोकस अभी थ्रू आउट क्लियर है। देख ही रहे हैं आपके चेहरे पे सन आए हैं। तो आज बताओ, हम लोग और एक दिन एक्स्ट्रा क्यों रुके हैं? हम लोग आज, हम लोग के साथ पास बहुत सारा एजेंडा है। पहली चीज तो मैं रिकवर हो जाऊंगी पूरी अच्छे तरीके से, ठीक है, बिकॉज आई वॉज इन माई डेट्स और वो सब था। तो फिर हम लोग का प्लानिंग थोड़ी आगे पीछे इसलिए हो गई थी क्योंकि हम लोग का वो बैग चोरी हो गया, तो वो आपको बता ही था, तो वो सब की वजह से वो सब सीन हो गया था। बट नाउ द थिंग इज, द गुड थिंग इज कि अभी हम लोग यहाँ पर रुकेंगे, मैं रिकवर हो जाऊँगी। सेकेंड चीज़, मैं सैडल बैग के साथ आपको बताऊँगी कि सेकेंड एजेंडा क्या था। और थर्ड एजेंडा ये भी था कि चार दिन से राइड कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग जब स्टोर पर आते ना तो वो लोग बोलते हैं कि यार हम लोग है ना थक जाते हैं यार, मतलब चार पाँच दिन सिटी में राइड करके फिर पहाड़ों में एंजॉय नहीं कर पाते। तो हम लोग ने वही सोचा कि जब आप पूरा मुंबई से यहाँ तक आप राइड कर रहे हो तो आप थोड़ा दो दिन का रेजुविनेशन लो, पूरा अच्छे से रेजुविनेट होकर फिर पहाड़ों की तरफ निकलो, तो एकदम मज़े ही मज़ी। सो दैट्स वॉट आर थॉट प्रोसेस इज कि आप कभी भी है ना, मतलब एंड वी फील द वो फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट होती है ना मुंबई से इधर तक राइड करके आने की, वही समझ लो आप, वैसे ही कुछ है। सो नाउ फिलहाल के लिए सैडल बैग भी आने वाला है, और क्यों हम लोग सैडल बैग मुंबई से यहाँ मंगा रहे हैं वो भी आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। पहले जेवन तैयार रहे, ब्रेकफास्ट करते हैं। ये व्रूम इन अरुणाचल अभी एक्सटेंड हो चुकी है, वी आर प्लानिंग फॉर मोर डेस्टिनेशन, और जगह पे जाने का हम लोग का प्लान चल रहा है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हाँ ठीक है, रख दो, उतना ही है ना? हाँ ठीक है, रख दो, मैं ले लेता हूँ। हाँ ले लेता हूँ मैं। पार्सल इज हियर। स्टोरी बताते, ये पार्सल का स्टोरी बताते, दोनों भी खुश हो गए एकदम। ये पार्सल दे दो इधर, रख दो। पार्सल मुंबई से अपना रूम स्टोर से आया है, क्या आया है बताते आप लोग को। यहाँ पे मिल्टन वगैरह बाकी बहुत कुछ है, देखते कौन सा वाला है। 750। तो किरण का फाइनली मिल्टन मिल गया यहाँ पे, ये सुपर स्टोर में, और इसमें और भी थोड़ा बहुत खाने का चीज़ें लिए है, सब वाटर बॉटल्स। चीयर्स। सो गाइस, ये बॉक्स की वजह से हम लोग का एक दिन एक्सटेंड हुआ है सिलीगुड़ी में। आज हम लोग निकलने वाले थे बट बिकॉज ऑफ दिस बॉक्स, इसके अंदर हमारी नई सैडल बैग है जो हम लोग यूज़ कर रहे थे, दैट वाज 95% रेडी, दिस इज 100% रेडी। तो ये स्ट्रेट फ्रॉम रूम स्टोर से आई है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि फास्टेस्ट डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया। सो दिस इज, हम लोग सैटरडे को हम लोग ने ये शिप किया था और ये आज ट्यूसडे है, एक दिन डिले हुआ। जैसे आप लोग को पता है हमारे साथ पनवती लगी हुई है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है, किरण का हॉर्न का इशू हो गया था तो ये कल आने वाला था, लेकिन जो ट्रक कलकत्ता से सिलीगुड़ी आता है उसमें कुछ फॉल्ट आ गया था, इसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया। और मतलब आज सुबह सुबह हम लोग को देने वाले थे बट उसकी हम लोग ने सोचा कि नहीं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, रुकते आराम से लेंगे और फिर इसको इंस्टॉल करके सब करके निकल जाएंगे इधर से, बिकॉज आगे की राइड बहुत ज्यादा मस्त होने वाली है और हम लोग को कुछ भी स्ट्रेस लेके जाना नहीं था। देखो, हम लोग हमेशा बोलते हैं जब भी कुछ चीज हमें लॉन्च करनी होती है हम पहले उसको टेस्ट करते हैं लंबे वाले राइड पर, और फिर अगर थोड़ी बहुत कुछ चेंजेस हो जाती है उसमें तो हम लोग ऑन द गो ही हमारे मास्टर जी हमारे फैक्ट्री को बता देते हैं एंड ही मेक्स द चेंजेस। छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि क्लिप प्लेसमेंट ऐसी नहीं चाहिए, हमें थोड़ी क्रॉस चाहिए, या फिर जिप हमें थोड़ा उसमें पुलर बड़ा वाला चाहिए, या छोटी मोटी जो चीज़ें रहती है ना वो फाइनल बनकर आता है, फिर हम वो प्रोडक्ट को अच्छे से और टेस्ट करते हैं एंड देन इट गोज अंडर प्रोडक्शन और फिर वो आपके पास आता है फॉर ऑल यू बाइकर्स टू यूज इट फॉर योर लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स। सिमिलरली हम लोग ने जो 2300 किलोमीटर्स चलाया है उसमें हम लोग को थोड़े बहुत चेंजेस लगे कि करनी चाहिए, और प्रोडक्शन पर हमारी बैग लगी हुई है ऑलरेडी, ये जो
सैडल बैग जो भी अनबॉक्स करने वाले हैं। तो हम लोग ने सोचा कि छोटी मोटी चेंजेस बोलकर, हम हमारे फैक्ट्री में बोलकर हम वो बैग हमारे पास मंगवा लेते हैं, और वो नई बैग जो 99% परफेक्ट ही है, बिकॉज 2300 किलोमीटर्स में हमें जो भी छोटी मोटी चीज़ें लगी, चेंजेस लगी, वो हमने इस बैग में इनकॉर्पोरेट करी हुई है। और ये बैग अभी हम पहाड़ों में लेकर जाने वाले हैं। सारा का सारा जो बारटैक चाहिए हमें स्ट्रेप्स पे, स्पेशली स्ट्रेस पॉइंट्स पे, जो भी चीज़ चाहिए वो सब कर दिए, क्योंकि आगे के रास्ते बहुत अच्छे नहीं होने वाले हैं फॉर श्योर। तो हमने इसलिए सारे चेंजेस इसमें करवाए हैं, एंड वी हैव गॉट दिस बॉक्स। अब हम देखेंगे इसको ओपन करके कि सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं, एंड देन वी विल टाई आर लगेज ऑन आर बाइक, बिकॉज कल सुबह हमें निकलना है पहाड़ों की तरफ। और सुबह सुबह हम लोग नहीं यार मोटरसाइकिल पे सामान लगाते, क्योंकि थकावट हो जाती है और फिर राइड भी करना होता है, तो हम रात को ही हमारा पूरा लगेज लगा कर रख देते हैं। क्रॉसिंग आवर फिंगर्स की बारिश ना हो और सामान वामान सब जो भी हम लोग अभी इंस्टॉल करने वाले हैं वो परफेक्ट रहे। हाल के लिए इसे अनबॉक्स करते हैं और बाइक पर जाकर सब पैकिंग हो गई है। मेरे टेल बैग परफेक्ट जा रही है, टेल बैग परफेक्ट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, 99% परफेक्ट चल रही है वो सिंस लास्ट 2300 किलोमीटर्स। सैडल बैग में जो भी चेंजेस है इट्स हियर। जो भी पुरानी सैडल बैग थी हमारी वो ये थी, ओके ये हमारी पुरानी सैडल बैग थी जो अभी हम साइड में रखेंगे, और नई वाली सैडल बैग हम यूज़ करने वाले हैं हमारे आगे के राइड के लिए, टेस्टिंग के लिए आप लोग के लिए। ये वाली जो सैडल बैग है वो मेरे गब्बर पर चली जाएगी, क्योंकि उसमें पानी का बॉटल बहुत सारी जो भी छोटी मोटी चीजें हैं वो एक साइड वन साइड जाएगा, क्योंकि एक साइड पर जेरिकन लगी हुई है, तो वो हम कैम स्ट्रैप से प्रॉपरली बांध देंगे, क्योंकि पानी का बॉटल है या कोई भी एक्स्ट्रा हमारे यूज्ड क्लोथ्स है या कुछ भी चीज़ जो है वो हम उसमें लगा देंगे, एंड आई थिंक वी विल बी सॉर्टेड। और सामान इस बार थोड़ा ज़्यादा हुआ है ओनली बिकॉज कैंपिंग का मटेरियल ज़्यादा है हमारे पास, खाने पीने का भी हमने बहुत सारा सामान खरीदा है, अभी हम लोग ने कप्पा नूडल्स और वो सब भी खरीद लिया है, सो दैट गर्म पानी तो हमारे पास रहेगा ही, वो सब कर लेंगे। तो आई थिंक अगर आपके पास कैंपिंग का सामान नहीं है तो एक सैडल बैग या एक टेल बैग में आपका सामान फिट होना ही चाहिए। डू नॉट ओवरलोड योर बाइक विद द लगेज। व्हाट वी रेकमेंड इज ऑलवेज ट्रैवल लाइट। अगर आपको अर्जेंटली एकदम बहुत जल्दी आपको अगर कोई भी अपना सामान चाहिए होम स्टोर से, यू कैन कॉल अस एंड गिव द ऑर्डर कि मैंने ये ऑर्डर किया हुआ है, मुझे जल्दी भेज दो। उसका थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ता है बिकॉज बाय एयर शिपिंग कॉस्ट इज रियली हाई, तो वो भी आपको प्लान करना पड़ेगा। एंड हम लोगों ने दो कैम स्टार्स भी एक्स्ट्रा मंगाए थे। ये पूरी यहाँ से ऐसे दिखा सकते हैं आपको, ये है फाइनल। काम चालू है, सैडल बैग चली गई है अपने अप्सरा पर, और यहाँ पर अभी नीमो लग रहा है। सबसे बेस्ट चीज लाइफ में वो लाइट है, ये वाली जो लाइट है इट्स अवेलेबल, या दिस इज किचन विद मैग्नेट अवेलेबल एट आवर स्टोर इन जस्ट 3-4 गाइस। ये कोई भी है ना जगह पर आप लगा सकते हो, मेटल मेटल जहाँ पे मेटल जगह पर, तो यहाँ पर के पीछे ना मैग्नेट है, अभी दिख नहीं रहा होगा, तो ये कोई भी मेटल दिखेगा आपको वहाँ पर रखना है, सो दैट पकड़ने की जरूरत नहीं। तो अभी ये मुझे नीमो इंस्टॉल करने के लिए काफी हेल्पफुल होगा, अदरवाइज ये हाथ में पकड़ो इधर रखो उधर रखो, और भी यहाँ पे लाइट का भी माउंट है ना, इधर भी लग जाएगा ये। और अगर आपका टायर पंचर हो गया है तो टायर पंचर के लिए भी आप यहाँ पर कोई भी अपना साइलेंसर पे या कोई भी ऐसे मेटल पार्ट पे लगा दीजिए और अपना टायर रिपेयर कर सकते हैं आप। बेस्ट, सस्ता भी है वो, ये 349 यार, मजा ही करा दिया। नॉट अ नॉर्मल कीचेन, इट इज अ कीचेन विद मैग्नेट, ओपनर भी है, तो ऑल द बियर लवर्स अपन दोनों के बारे में बात कर रहे थे। क्या बोल रहे थे? भिंडी से बना रहा था, होपफुली देंगे भिंडी। फाइनली 5-6 डेज के बाद में भिंडी मिला है, तो नहीं आ रहा है, तो इस प्रॉपर गुजराती है। हाँ, ये मारवाड़ियों का होटल है, तो यहाँ पे आपको अंडा भी नहीं मिलेगा, नॉन वेज भी मिलेगा, वेज काफ़ी अच्छा है। खाना हो गया, किरण ऊपर जाके एडिटिंग कर रही है, और अभी बारिश वापस चालू हो गई है। कल हम लोग इधर से निकलेंगे, राइड लंबी है कल, 450 किलोमीटर्स के आसपास रहेगी। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अरुणाचल, तो स्टे ट्यून्ड रहिए हम लोग के लिए, दुआ करिए, बिकॉज बहुत बारिश का सीन चल रहा है, पूरा नॉर्थ ईस्ट में बारिश का सीन चल रहा है। यहाँ पर आई थिंक मुझे लगता है हर महीने कोई ना कोई ऐसा टाइम होता है जहाँ पर
बारिश चलती रहती है। सो ये वीडियो यहीं तक, सब अभी तक बाइक्स पे सब ठीक करवा लिया है जो भी गब्बर में इश्यूज थे। रिटर्न के टाइम पे गुवाहाटी में एक मैकेनिक है, वहाँ पे एयर फिल्टर वगैरह क्लीन करके हम लोग ले लेंगे, बिकॉज बीच बीच में वो स्टॉल हो रही है। तो मतलब दिन में एक बार स्टॉल हो रही है, वो मुझे पता है थ्रॉटल बॉडी का इशू है, वो क्लीन करवाना पड़ता है। सो यस, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अंटिल देन ऑलवेज वेयर हेलमेट एंड कीप रोमिंग। इसके फर्स्ट पेज पे क्या मस्त लिखा है, लेट मी टेल यू, डेथ सॉल्व्स ऑल प्रॉब्लम, नो मैन नो प्रॉब्लम।